नमस्कार न्यूजी डेली राउंडअप में आपका स्वागत है आइए नजर डालते हैं एक बार हेडलाइंस पर देशभर में 24 घंटों में दो नए मामले 126 लोगों की मौत लॉकडाउन शिथिल होने के साथ कोरोना के फैलाव को कैसे रोक सकते हैं लॉकडाउन में तबाह कश्मीर का ट्रांसपोर्ट सेक्टर स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक चौबीस घंटों में अब तक के सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं कल पांच मई सुबह आठ बजे से लेकर आज छह मई सुबह आठ बजे तक कोरोना संक्रमण के दो नए मामले सामने आए हैं और 126 लोगों की मौत हुई है साथ ही इन बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण से पीड़ित एक मरीजों को ठीक किया जा चुका है देश में कोरोना से संक्रमित मरीजों की कुल संख्या उनचास हो गई है जिसमें से अभी तक अट्ठाईस यानी चौदह मरीजों को ठीक किया जा चुका है और देश में अब तक संक्रमण से एक मरीजों की मौत हो चुकी है साथ ही देश में अब कुल सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर 33,514 हो गई है। आईसीएमआर द्वारा आज सुबह छह नौ बजे जारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक कुल एक हजार एक बारह लाख छिहत्तर हजार सात सौ इक्यासी सैंपल की जांच की जा चुकी है जिसमें चौरासी हजार आठ सौ पैंतीस सैंपल की जांच बीते चौबीस घंटों में हुई है देशभर में बीते 24 घंटों में कोरोना संक्रमण के दो नए मामले आए हैं जिसमें सबसे अधिक मामले सात राज्यों से आए हैं महाराष्ट्र से 948 मामले तमिलनाडु से 508, गुजरात से 441, पंजाब से 218, दिल्ली से 206, उत्तर प्रदेश से 114 और मध्य प्रदेश से 107 नए मामले सामने आए साथ ही राजस्थान से संतानबे पश्चिम बंगाल से पचासी आंध्र प्रदेश से सड़सठ हरियाणा से इकतीस कर्नाटक से बीस जम्मू कश्मीर से पंद्रह त्रिपुरा से चौदह तेलंगाना से ग्यारह झारखंड से दस चंडीगढ़ से नौ बिहार से आठ उड़ीसा से छः केरल से दो और एक एक नया मामला उत्तराखंड और छत, छत्तीसगढ़ से हिमाचल प्रदेश और पुडुचेरी से आया है साथ ही पहला मामला दादर नगर हवेली में भी दर्ज किया गया है देश के आठ राज्यों में बीते दिनों कोई नया मामला नहीं आया जिसमें असम लद्दाख निकोबार द्वीप समूह मेघालय गोवा मणिपुर अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम शामिल है एक और जहां भारत लॉकडाउन खोलने की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है वहीं दूसरी तरफ कोरोना के केस बढ़ते नजर आ रहे हैं इस समय भारत के लिए चुनौती है कि वो इन परिस्थिति का सामना कैसे करे क्योंकि लॉकडाउन बढ़ाने से आर्थिक रूप से काफी दिक्कतें आ रही हैं एक वीडियो के माध्यम से न्यूज क्लिक एडिटर इन चीफ प्रवीर प्रकाश्ता बता रहे हैं कि लॉकडाउन के बाद हम कैसे कोरोना के फैलाव को रोक सकते हैं आइए सुनते हैं उन्हें कोविड नाइनटीन किस प्रकार हमारे देश में बढ़ रहा है और उसका क्या असर होने वाला है खास तौर से हमने क्योंकि लॉकडाउन ही प्रमुख रूपा अपनाया अपना यही एक हथियार मान के चला तो उसका क्या असर इस वक्त हो रहा है और लॉकडाउन क्योंकि इस तरह से चल नहीं सकता छह हफ्ता हो चुका है तो अगर वो लिफ्ट होता है जैसे अभी शिथिलता लाने की बात हो रही है शुरू भी हो गई है तो उसका क्या असर पड़ने वाला है इस नंबर्स पे तीसरी तो बात हम चर्चा करेंगे क्या हमारे लिए और कोई रास्ता है इस वक्त या सिर्फ इसी तरह चलेगा नंबर्स बढ़ेंगे और हमें झेलना तो पड़ेगा ये तीन सवाल मुख्य सवाल लेके हम आपके साथ चर्चा तो पहली बात आइए देखते हैं कि हमारे नंबर्स क्या है उसको पहले देखते हैं इस वक्त हम न्यूज क्लिक का जो चार्ट है जो हमारे साइट पे हर रोज मिलता है आपको उसको देखते हैं अगर हम देखें ये हिंदुस्तान के आंकड़े भारत वर्ष का आंकड़े यहाँ पर है तो इस वक्त हमारे आंकड़े बताते हैं कि हमारा छियालीस हजार चार सौ तैतीस कल तक ये संख्या पहुंच चुकी थी या तो आज सुबह ये अनाउंस जो हर रोज सरकार करती है ये अनाउंसमेंट किया है इसको अगर देखें तो हमारी बढ़ने की रफ्तार इस वक्त करीब अगर ये ट्रेंड लाइन देखें तो यह है कि सात दिन में ये ट्रेंड लाइन आपका हर सात दिन में डबल करता है हमारा अगर स्लोप देखें कर्व की स्लोप क्योंकि ये लॉग प्लॉट है तो स्लोप मतलब किस रफ्तार से बढ़ेगी उसको अगर देखे तो इस वक्त ये स्लोप देखते हुए लग रहा है कि हमारा ट्रेन लाइन इससे थोड़ा कम है मतलब आठ दिन में लगभग हमारी संख्या डबल हो सकती है अगर यही रफ्तार जारी रहा तो ये नहीं है कि यही ये नंबर संख्या बढ़ेगी नहीं ये बढ़ेगी पर किस रेट पे बढ़ेगी किस तेजी से बढ़ेगी उसको अगर देखना है तो हमें डबलिंग रेट देखना चाहिए कितने दिन में संख्या डबल हो रहे हैं अभी लग रहा है कि जो नंबर है हमारे पिछले दो तीन दिन में करीब आठ प्रतिशत क्योंकि आज हमारा नंबर्स जो आया है उससे लगता है करीब आठ प्रतिशत आठ प्रतिशत बढ़ोतरी है तो ये ये चार हजार के लगभग पिछले दिन में बढ़ा है संख्या तीन हजार नौ सौ कुछ तो मतलब करीब अभी हमारी बढ़ोतरी हर आठ दिन में साढ़े आठ दिन में डबल होने की संभावना है तो छियालीस हजार अगर आप इस रफ्तार से अगर बढ़ी तो इसको नब्बे से एक लाख के अंदर पहुंचने की संभावना है मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये इसी तरह से बढ़ेगा पर क्योंकि लॉकडाउन लिफ्ट हो रहा है हो सकता है इससे ज्यादा रफ्तार से बढ़े हो सकता है कि जो हमने कदम उठाए हैं उसका असर क्योंकि एक दो हफ्ता और लगेगा उसका फल देखने के लिए तो हो सकता है ये रफ्तार धीमी हो जाए और संख्या कम होते कम होना शुरू हो मतलब हर रोज के इन्फेक्शन आठ प्रतिशत होने के जगह पर सात प्रतिशत प्रतिशत पांच प्रतिशत की दिशा में चले अगर वो होगा तो ये साफ है कि इसमें हमारा नंबर्स कम होना शुरू नहीं होंगे पर बढ़ने का रफ्तार घट जाएगी यही मुख्य चीज इस वक्त है बढ़ने की रफ्तार में हमें इसको उस पर काबू अगर हम पाल लेते हैं तो हमारे हमें लगता है कि हम इस दिशा में हमारे जो भी काम है कैसे इसको कंट्रोल करें उस दिशा में हम बढ़ोतरी कर पाएंगे अब देखिए देखते हैं कि कौन कौन सा प्रदेश में प्रांतों में इसका फैलाव ज्यादा है ये हमारा मैप है जो बताता है कि कहां कहां पर ज्यादा है अगर वो देखे, देखेंगे आप कि महाराष्ट्र और गुजरात सबसे आगे है हम चार्ट देखेंगे उस पर भी वही दिखेगा और जो संख्या मृतकों की हो रहा है उस पर हम देखेंगे कि इसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है महाराष्ट्र है गुजरात है और पश्चिम बंगाल की संख्या मृतकों के काफी तेजी से बढ़ा है उसको भी हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए अगर हम देखते हैं कौन सा प्रांतों में किस रफ्तार से रफ्तार से बढ़ोतरी हो रही है तो हम देखेंगे महाराष्ट्र में अभी भी बढ़ोतरी करीब करीब पिछले आठ दस दस दिन में खास बदला नहीं है अभी भी वहां पर बढ़ोतरी काफी तेजी से चल रहा है लग रहा है ये भी करीब आठ साढ़े दिन की रफ्तार से हर रोज इसकी बढ़ोतरी हो रही है मतलब आठ परसेंट अगर बढ़ता है आठ साढ़े आठ परसेंट बढ़ता है तो करीब आठ साढ़े आठ दिन में भी इसका संख्या डबल होने की संभावना है इस गुजरात की रफ्तार भी उसी तरह से है दिल्ली की रफ्तार भी घटी नहीं है और इसपे और भी अगर हम देखें तो तमिलनाडु में पिछले दिनों में थोड़ी सी तेजी आई है पर इसपे कोई अच्छी खबर भी है अगर हम देखें पहले अब केरल के जिक्र करते थे केरल के कर्व कभी करीब करीब फ्लैट है बढ़ोतरी बहुत कम है तो इसका मतलब है कि वो इस इस बीमारी पे काबू पा लिए हैं अभी तक और इस पे अगर हम देखें तेलंगाना है उस पे भी काफी अच्छी खबर है कि तेलंगाना की कर्फ की काफी काफी फ्लैट है पर दूसरे प्रांतों को अगर देखें उत्तर प्रदेश की बढ़ोतरी अभी उस पर थोड़ी सी तेजी आई है और राजस्थान में भी लगता है थोड़ा सा फ्लैट है पर कि राजस्थान के ऊपर भी निगाह रखनी पड़ेगी पर महाराष्ट्र गुजरात दिल्ली और खास तौर से हमारा जो ये प्रांत है तमिलनाडु खास तौर से इस वक्त उसकी संख्या में काफी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है इसमें भी अभी लगता है हम इस बीमारी पे काबू नहीं कर पाए हैं अभी तक अगर हम मृतकों की संख्या देखें, तो हम देखेंगे कि सबसे आगे अभी महाराष्ट्र है इसके बाद गुजरात है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है ये दे जो तो प्रदेश है, सबसे तेजी से आगे बढ़ रहा है दूसरे प्रांतों में अभी भी इसका संख्या थोड़ा कम है तो मध्य प्रदेश के बाद अगर देखें तो दिल्ली का नंबर आता है पर दिल्ली का कर्व जो है थोड़ा सा फ्लैट है इसका मतलब मृतकों की संख्या उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है तो ये जो मुख्य प्रांत है ये, 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 ये इसका स्थिति यह है पर इसके अलावा पश्चिम बंगाल में भी मृतकों की संख्या पिछले दिन काफी ऊंचा गया है और उसके ग्राफ भी हम उसके ग्राफ पर भी हमें नजर रखनी पड़ेगी पर इन चीजों से और एक निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं अगर ये हम देखें शहरों की स्थिति है कि गुजरात में ये अभी अहमदाबाद में करीब करीब अगर आप देखें तो ज्यादातर ज्यादातर लोग अभी जो बीमार हैं वो अहमदाबाद में है उसका संख्या करीब सत्तर से बहत्तर प्रतिशत लोग गुजरात के सिर्फ अहमदाबाद शहर में है इस वक्त मध्य प्रदेश पे इंदौर और उज्जैन का अगर मिला ले तो लगता है पचहत्तर प्रतिशत लोग सिर्फ इन्हीं दो शहरों में है इस पे भी इंदौर का संख्या बहुत ज्यादा है अगर हम देखें मुंबई पे जहां पर हमारी निगाह पहले थी मुंबई की हालत थोड़ी सुधरी है पर महाराष्ट्र की संख्या जो बढ़ रहा है उसको हो सकता है कि मुंबई की सबर्स भी है फैला है इसीलिए ऐसा हम नहीं कह सकते कि क्योंकि शहर का संख्या इतना नहीं है इसीलिए थोड़ा सा इसमें हमें लगता है कि मुंबई पे काबू पा लिया है अभी भी देखना पड़ेगा मुंबई की सबर्स में जो मुंबई शहर में नहीं आते थाने वगैरह इन इलाकों में इसका क्या हाल है पर शहरी प्रधान अभी फैलाव ज्यादा है मतलब कुछ शहर चंद शहरों में इसका फैलाव ज्यादा है अभी तमिलनाडु में हम देख रहे थे चेन्नई की संख्या ज्यादा है बंगाल में हम देख रहे थे कलकत्ता की संख्या ज्यादा है तो दिल्ली शहर में खैर शहर और प्रदेश एक ही करीब करीब है इसीलिए यहाँ पर पूरी तरह से आप देख सकते हैं फैलाव इन्हीं जगहों पर ज्यादा है तो इन सब को देखते हुए अभी हम नहीं कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पर लॉकडाउन के साथ साथ हम इस पर काबू पा लिए है तो क्या हालत हालात होगा अगले दिनों में तो हमें ये सोचना पड़ेगा कि अगले दिनों में लॉकडाउन को कैसे हम हैंडल करें क्योंकि तो लॉकडाउन इस तरह से पुलिसी तरीके से चल नहीं सकता लॉकडाउन में जो ही शिथिलता है हम देख रहे हैं कि बहुत सारे सोशल डिस्टेंसिंग गायब हो गया अभी तस्वीरें हर जगह पे आ रही है दारू के सामने दुकानों के सामने बड़े पैमाने पे लाइन लग रही है पर उसके साथ साथ हमने पार्क्स को बंद कर दिए बहुत जगहों पे तो इस तरह से जो लॉकडाउन एक तरह से हम कहेंगे कि दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हुए एक ऐसा लॉकडाउन हो रहा है इससे हमें फल उस तरह से नहीं मिलेगा इसपे हमें चाहिए खास तौर से स्टेट गवर्नमेंट्स लोकल गवर्नमेंट्स लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के हाथ पे क्षमता देना ताकि वो कैसे लोगों को इन्वॉल्व कर पाए आम जनता की शिरकत कैसे इस पे हो रेसिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन है हर जगह पे वो कैसे इस पे काबू इस पे आपके साथ शामिल हो सकते जब तक ये नहीं होगा तो सिर्फ डायरेक्टिव्स इशू करके ऊपर से कानून लगा के डंडा लगा के लॉकडाउन अगर चलवाने की कोशिश होगी तो सफल नहीं होगा और अभी खास तौर से जो पार्शियल लॉकडाउन में संभावना यह है कि बीमारी फिर फैलेगी जिस रफ्तार से पहले फैल रही थी जिसको हमने कुछ हद तक तो रोका है ये तो सही है कि लॉकडाउन की वजह से कुछ हद तक तो रुक गया है पर जो ही लॉकडाउन में शिथिलता आएगी ये हमारी फिर बढ़ने की संभावना है तो इसमें आखिरी बात जो हम आना चाहेंगे कि हमारे लिए करना क्या है हमको क्या करना चाहिए तो उसपे दो चीज है एक तो है हमें टेस्टिंग काफी बढ़ानी पड़ेगी हमारे जो इस पे तो का, जो हम सिर्फ पुलिस मिजाज से चल रहे हैं कर्फ्यू डिक्लेयर कर दे रहे हैं सेक्शन 144 फोर्टी डिक्लेयर कर रहे हैं कह रहे हैं कि बॉर्डर्स बंद कर देंगे ये सब के साथ साथ कुछ करे पर इस तरह से डंडे के बल पे ना करके लोगों की शिरकत अगर करेंगे तो दो चीज आपको करने में सहूलियत होगी एक तो है टेस्टिंग टेस्टिंग का संख्या सरकार कह रही है काफी बढ़ी है पर हमारे जनसंख्या को देखते हुए हम अभी भी टेस्टिंग में काफी पीछे हैं तो हमारे टेस्टिंग कम से कम अगले दस दिन में पांच गुना से दस गुना बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी जब तक हमारे टेस्टिंग दिन में हर जगह पे जहां जहां पर हॉटस्पॉट्स है आम टेस्टिंग नहीं कर पाएंगे तब तक हम शनाख्त नहीं कर पाएंगे ऐसे लोगों को जिनको सिम्टम्स नहीं दिखाई दे रहा है पर वो इन्फेक्टेड हैं इन लोगों को शनाख्त करने के लिए आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी जरूरत है टेस्टिंग का फैलाव काफी बढ़ाए लॉकडाउन एक तरफ से हमें शिथिल करना पड़ेगा उसके साथ साथ इस बीमारी पे भी काबू पाना जरूरी है तो हमको क्या करना चाहिए तो ये अभी तक जो हम कर रहे थे कि सिर्फ एक पुलिसी तरीके से इस लॉकडाउन को चला रहे थे उसको ना करके जनता की शिरकत चाहिए तो आपकी स्टेट गवर्नमेंट से लेकर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से लेकर वेलफेयर सबको इस पर शामिल करना चाहिए गांव में पंचायतों को शामिल करना चाहिए तो एक ज्यादा पार्टिसिपेटिव बोर्ड इसमें इस लाने की जरूरत है तो उसपे खास फायदा क्या होगा जहां कंटेनमेंट जोन है वहां पर लोगों को आप टेस्ट कर पाएंगे हमें टेस्ट कम से कम पांच से दस गुना बढ़ाने की जरूरत है वहां आम लोगों पे पे टेस्टिंग करना चाहिए कि ऑलरेडी जैसे कहते हैं कि आ, स्प्रेड जो है कम्युनिटी स्प्रेड है कम्युनिटी के अंदर यह फैल रहा है इसीलिए इन जगहों पे वाइड स्प्रेड टेस्टिंग बड़े पैमाने पे टेस्टिंग करने की जरूरत है और उससे बीमार लोगों को शनाख्त करके उनको अलग करके उसको अलग से उनको क्वारंटीन करना उनकी देखभाल करना और साथ साथ जो ज्यादा बीमार है उनको अस्पताल पहुंचाने की जरूरत है तीसरी बात जो हमें इस पर करनी पड़ेगी इन इन चीजों में कि अस्पताल के सुरक्षा लिए, के लिए अस्पताल के कर्मचारियों की सुरक्षा की जरूरत है अभी इस वक्त हम जो देख रहे हैं अस्पताल में भी काफी बीमारी उन लोगों में हो रहा है जो पेशेंट्स की देखभाल कर रहे हैं इसका मतलब हमारे पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट ये तो ठीक नहीं है ये तो उस को ठीक से इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है।, ये तो पर्याप्त प्राप्त नहीं है तो वो बहुत जरूरी है इस वक्त और उनको भी अलग जगह पे ठहराना अस्पताल के पास ठहराना ताकि वो घर में जाके फिर दूसरों को बीमार न दूसरों को बीमारी ना दे इसकी भी उनको अलग करने की जरूरत है तो अस्पताल की सुरक्षा मतलब तो है अस्पताल के कर्मचारियों की, की डॉक्टर्स की नर्सेस की नर्सिंग असिस्टेंट्स की जो सफाई करते हैं अस्पताल को साफ सुथरा रखते हैं उनकी इन सब लोगों की जो सुरक्षा हमारे लिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारा फ्रंटलाइन सोल्जर्स है तो उनके लिए हमारी सब प्रबंध करनी चाहिए और ये हमें ती, जो तीसरा चीज है अस्पताल की सुरक्षा इस पर नजर देनी चाहिए मैं दूसरे चीजों पे बात नहीं कर रहा हूँ जो दूसरे लोग कर रहे हैं कि जो गरीब है जिनके खाना नहीं पहुंच रहा है माइग्रेंट वर्कर्स का क्या होगा गांव में क्या हालत है फसल कैसे कटी जाएगी फसल को कैसे बोरियों में डालेगी जो बोरियों की उत्पादन नहीं हो रही है ये सब चीज इस वक्त इस वक्त वक मैं नहीं चर्चा कर रहा हूँ मैं सिर्फ इस बात के आपके सामने चर्चा करना चाहता हूँ कि कोविड नाइन्टीन के फैलाव किस प्रकार हो रहा है और उसमें एपिडेमिक के तौर पे एक पैंडेमिक के तौर पे हमारे क्या कदम होने चाहिए इसको इस वक्त रोकने के लिए कश्मीर ने एक के बाद एक अनेक लॉकडाउन देखा है मौजूदा लॉकडाउन से कश्मीर के ट्रांसपोर्ट सेक्टर पे भी प्रभाव पड़ा है और वहाँ जो इन ट्रांसपोर्ट सेक्टर्स में ड्राइवर्स हैं उनकी जो आय है वो कम हो गई आइए देखते हैं न्यूज़ क्लिक की ग्राउंड रिपोर्ट How can Ali Muhammad summarize the loss of his livelihood, his work, Since the overnight change that came in when the central government scrapped Article 370 in Jammu and Kashmir and turned it into a union territory. <laughs> Eight months later, the valley sees another lockdown. This time, it is to stop the coronavirus pandemic from spreading in newer territories. Our business. टूरिस्ट टूरिस्ट आया, ख़त्म हो गया पिछले साल उम्र रात के टाइम पर बोला बंद किया था, तब से बंद ही है कोई टूरिस्ट आता ही नहीं हमारे पास कोई सहारा नहीं टैक्सी ड्राइवर उनके पास हमारा रोजगार यही था अभी दो साल होने लगा ये अभी ये क्लियर हो गया बीमारी हो गया इसमें भी ज़्यादा बर्बाद हो गया जो हमने कुछ कमाया नहीं कुछ ये नहीं है गाड़ियाँ हमारे ऐसे ही बैठे हमारा फाइनेंस फाइनेंस नहीं भरते हैं जब घर नहीं चला तो फाइनेंस कहाँ भरेंगे हमारे रोडों पे बैंक वाले गाड़ी पकड़ लेते हैं कि किस्त तो भरो किस्त तो भरो जब हमारे पास है नहीं तो हम कहाँ भरेंगे किस्त आप देख लो ये कितना गाड़ियाँ है यहाँ खड़ी दाएं तरफ से भी बाएं तरफ से भी बहुत सी गाड़ियाँ खड़ी है तो गवर्नमेंट ऊपर से ऊपर टैक्स लगा रही है हमारा टोकन टैक्स होता है पैसेंजर टैक्स होता है इंश्योर होता है तीस हज़ार से कम नहीं होता है इंश्योर तो ये पैसा हम जब हम कमाएंगे नहीं तो आएगा कहाँ से तो गवर्नमेंट से यही इल्तिजा है कि वो हमारी तरफ नजर डाले कि हम इधर बैठे हुए अब तो खाने का प्रॉब्लम है जब कमाया नहीं तो खाना कहाँ से आएगा लॉकडाउन से मैं एक तरीक़े से लोग बच गए हैं लेकिन यहाँ भूखा पड़ गया आदमी खाएगा क्या कुछ है ही नहीं गवर्नमेंट की तरफ से कोई इमदाद नहीं है डेली राउंडअप में बस इतना ही इन सभी खबरों को और विस्तार में जानने के लिए आप जा सकते हैं न्यूज क्लिक की वेबसाइट पर हमें सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब पर और फॉलो कीजिए ट्विटर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देखते रहिए न्यूज क्लिक धन्यवाद